एलिना सेल, जहां पर हमें कई सारी बड़ी थिंग्स देखने को मिलने वाली है। बट आप सबको बता दो, WWE इन्हें ऑलरेडी इस वीक के स्मैकडाउन में अभी से ही कई सारी बड़ी थिंग ऑफिशियल कर दी है, जिसमें एक चैंपियनशिप मैच भी शामिल है। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। और साथ ही साथ मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि रोमन रेंस ने क्या कुछ कहा दी रॉक को वापस लाने के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले अभी स्मैकडाउन से जुड़ी थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दी है, तो वो है केविन ओवेंस शो। तो हाँ, इस वीक हमें केविन ओवेंस देखने को मिलने वाला है स्मैकडाउन में अपने केविन ओवेंस शो के साथ, जहां पर उनकी स्पेशल गेस्ट रहने वाली है और कोई नहीं बल्कि एलेक्सा ब्लिस। तो आप सब जानते हैं लास्ट कुछ वीक्स से एलेक्सा ब्लिस फिंड के कंट्रोल में आ जाती है, यानी कि उनके सामने अगर कोई फिंड का नाम लेता है या फिर कुछ फिंड वाली इफेक्ट होती है, देन उनका मूड तुरंत चेंज हो जाता है। और उसके बाद हमें उनके तरफ से एक सिस्टर एबिगेल देखने को मिलता है। और लास्ट वीक उनका एंड लेसी एवेंस का मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो गया था, और हो सकता है यहाँ पर हमें केविन ओवेंस यही सारी थिंग पूछते हुए दिखे एलेक्सा ब्लिस से। अब उनका आंसर एलेक्सा ब्लिस देती है या फिर नहीं, वो तो भाई हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में पता चलेगा। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया, तो वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जेफ हार्डी वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। तो आप सबको पता है क्लैश ऑफ चैंपियंस के पे-पर-व्यू में सैमी ज़ेन ऑफिशियली बन चुके हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड इस वीक के स्मैकडाउन में एक तरह से जेफ हार्डी को उनका रिमैच मिलेगा। वही बात की जाए कि टाइटल चेंज हो सकता है या फिर नहीं, चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पर हमें कोई भी टाइटल चेंज देखने को मिलने वाला, यानी कि यहाँ पर सैमी ज़ेन हमें रिटेन करते हुए दिख सकते हैं अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके अलावा जो WWE ने नेक्स्ट थिंग ऑफिशियल की है वो है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की तरफ से। तो WWE ने इस वीक के स्मैकडाउन में एक सेगमेंट रखा है जहाँ पर हमें रोमन रेंस ऑफिशियली क्राउन होते हुए दिखेंगे एज ट्राइबल चीफ। अब ये तो WWE ने नहीं बताया कि वो किसके हाथों क्राउन होने वाले, क्या ये चीज पॉल हेमन करने वाले या फिर क्या पता वो अपने कजन उसो को बुलाकर ये थिंग करे। बट आप सब जानते हैं नेक्स्ट पेपर व्यू है हेल इन अ सेल, तो हो सकता है यहाँ से हमें उनका अपोनेंट पता चलते हुए दिखे, और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो कोई और नहीं, वो होने वाले द फिंड ब्रे वायट। क्योंकि हम सबने लास्ट वीक देखा था कि एलेक्सा ब्लिस उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रही थी, और इसका रीजन यही है कि फिंड के यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास है। तो क्या पता फाइनली इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस पर अटैक करने की कोशिश करे द फिंड ब्रे वायट, और वो चैलेंज कर दे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में। इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें फिंड का अटैक देखने को मिलता है रोमन रेंस पर या फिर नहीं। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में जो कि है साशा बैंक्स एंड बेली से रिलेटेड। देन WWE ने इन दोनों को लेकर कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। बट आप सबको बता दूं अपडेट्स ऐसे निकल कर आ रही है कि हेल इन अ सेल के पेपर व्यू का मेन इवेंट हो सकता है साशा बैंक्स वर्सेस बेली का मैच। और अगर ऐसा सच में होने वाला है देन WWE इस फ्यूड के काफी तगड़ी बिल्डअप करने वाले। बिल्डअप तो वैसे ही है क्योंकि ये दोनों काफी समय से एक टैग टीम में थी और सारी वुमेन्स की चैंपियनशिप भी जीती। इसके अलावा स्मैकडाउन में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक WWE ऐसा एडवर्टाइज कर रही थी कि ओटिस के हाथों से जा सकती है उनकी कॉन्ट्रैक्ट, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और पॉसिबली इस वीक के स्मैकडाउन में भी ऐसा नहीं होने वाला है। और मिज हमें कोशिश तो जरूर से करते हुए दिखने वाले हैं कि ओटिस के पास से वो किसी तरह से ले ले मनी दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट, बट ओटिस बचाने की पूरी ट्राई करने वाले। इसलिए लेट्स सी कि इस थिंग से रिलेटेड हमें आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है इस वीक के स्मैकडाउन में। तो गाइस यही कुछ बड़ी थिंग थी जो कि हमें देखने को मिलने वाली है एंड जो देखने को मिल सकती है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस एंड द पीपल्स चैंप द रॉक से। तो आप सबको पता ही इन दोनों से रिलेटेड हमें हाल में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। रॉक लगातार मॉनिटर कर रहे रोमन रेंस को इंस्टाग्राम एंड और भी कई जगह पर, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक तरह से रोमन रेंस को चैलेंज भी कर दिया रेसलमेनिया 37 में एक मैच के लिए, और रोमन रेंस ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। बट हाल ही में रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने ये थिंग रिवील की थी कि आखिर वही क्यों है रीजन जिसकी वजह से रॉक आ सकते हैं वापस एक मैच लड़ने के लिए। तो उन्होंने ये थिंग कही, मुझे लगता है कि मैं ही एक ऐसा गाय हूं जिसके साथ रॉक अभी रिंग शेयर करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा, और हम दोनों अपने मैच से पहले इस मैच के लिए काफी तगड़ी बिल्डअप कर लेंगे, बट इसमें कोई भी डाउट नहीं कि मैं हूं दी गाय। इसके अलावा उन्होंने ये थिंग कही, मुझे बिल्ड किया जा रहा है अभी एज अ डोमिनेंट बैड गाय, बट उस समय आएगा एक ऐसा पर्सन जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल सुपरस्टार है एंड उस वक्त वो मेरे लेवल पर था, यानी कि दी रॉक, और ये सब लोग काफी ज्यादा पसंद करने वाले हैं। एंड उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक काफी तगड़ा विलन बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं रोमन रेंस ने ये थिंग साफ साफ कह दी
उन्हें नहीं लगता कि अभी दी रॉक किसी और के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे उनसे, एंड वो दोनों अपनी मैच को एक काफी तगड़ी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। और रोमन रेंस ने जो भी थिंग कही वो बिल्कुल सही है, इसलिए लेट्स सी कि क्या फाइनली ये मैच हमें रेसलमैनिया 37 में देखने को मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि अभी जो थिंग चल रही है उसे देखकर तो भाई 99% चांसेस लग रहे हैं कि फाइनली दी रॉक एंड रोमन रेंस का मैच हमें देखने को मिलने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमैनिया 37 में। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि अगर ये मैच होता है तो आपको क्या लगता है ये मैच कितने स्टार डिलीवर करेगा। इसके अलावा आप इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर